जय हिंद दोस्तों। आजकल एक चीज कॉमन है बच्चों में कि वो कभी कभी सैड हो जाते हैं, कभी कभी वो निराश हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा, और पेरेंट्स भी ये चीज़ अपने बच्चों से करवा सकते हैं, सो दैट दे कैन बी हैप्पी। तो हैप्पी कैसे हो सकते हैं वो? बाय डूइंग सम काइंड वर्क। वो काइंड वर्क कैसे होगा? स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। मैं सारे अपने स्टूडेंट से भी कहूँगा और सारे बच्चों से भी कहूँगा कि आप एक हैबिट डेवलप करें जहाँ पर आप दूसरों को हेल्प करना शुरू करें। अपने घर में अपने पेरेंट्स को हेल्प कर दिया, विंटर्स शुरू हो गए हैं तो जो आपके पुराने कपड़े हैं, आप स्ट्रीट में जो लोग रह रहे हैं, आप उनको अपने पुराने कपड़े डोनेट कर सकते हैं, यू विल फील गुड। आप कभी कुछ खाना बनाकर उनको दे सकते हैं, गरीब बच्चों को खिला सकते हैं। आप अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं, कोई चैप्टर अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है और आपको वो चीज़ आती है तो आप वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं वो अपने दोस्तों को स्पोकन इंग्लिश में हेल्प कर सकते हैं। व्हेन यू विल स्टार्ट हेल्पिंग पीपल यू विल फील गुड, यू विल बी हैप्पी। तो स्मॉल स्मॉल काइंड वर्क्स हैं जिनको आप करते हैं, उससे आपको खुशी मिलती है। आप चाहें तो इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं कि जो ये टिप आज हमने आपको बताई है, अगर ये भी आप शेयर करते हैं और कोई ना कोई अगर इसको इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा और उससे आपको खुशी मिलेगी। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। थैंक यू।